नाप तोल में फ्रॉड करके मासूम आवाम को लूटने का हैरत अंगेज इंकशाफ। आखिर ये लोग हमारे इतमाद का इतना बेरहमी से खून कब तक करते रहेंगे? क्या हम वाकई ही इतने बेवकूफ हैं जितने ये फ्रॉडी हमें समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आमेर हबीब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नाप तोल में कमी करके कुछ लोग मासूम लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, फ्रूट बेचने वाला शख्स फ्रूट किस तरह फ्रॉड से तोल के दे रहा है। कस्टमर बेचारा दूसरी तरफ खड़ा है और ये कस्टमर के एतमाद का फायदा उठा रहा है। ये देखिए नाज़रीन, इसके कॉन्फिडेंस की इंतहा तो देखिए, किस तरीके से ये हर कस्टमर के साथ एक ही गेम खेल रहा है। जी नाज़रीन, तो ये दूसरा शख्स, इस शख्स को जरा गौर से देखिएगा। बूढ़ा शख्स अपनी मर्जी का फ्रूट डाल रहा है और ये बेईमान शख्स किस तरह आसानी से शॉपर तब्दील कर लेता है। जी नाज़रीन, इस फ्रॉडिये को देखिए, ये वजन किस चीज का कर रहा है और फ्रॉड से कस्टमर को कौन सी चीज पकड़ा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कस्टमर के जाने के बाद वही प्याज वापस दोबारा डाल दिए। जी नाज़रीन, एक और वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से इस तोलने वाले शख्स ने चोरी से साथ फालतू वजन रखा हुआ है और ये कितने हुनर से कस्टमर को धोखा दे रहा है। जी नाज़रीन, तो आप मिलिए एक और फ्रॉडिये से, इसने किस तरह बिल्कुल पक्का काम किया हुआ है। इसने तो फालतू वजन तोल के अंदर ही दबा के रखा हुआ है। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये फ्रॉडिये हमें धोखा दे रहे हैं, हमें चूना लगा रहे हैं। अब यकीनन जब भी आप खरीदारी करने जाएंगे तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखेंगे।